भूतभवन बाबा महाकाल के दरबार में भी गंगा दशहरा श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यहां नन्ही बालिकाएं भरी दोपहरी में भगवान महाकाल की सतत नृत्य आराधना कर रही है। भगवान महाकाल की भस्म आरती से शुरू हुई नृत्य आराधना शयन आरती तक 16 घंटे तक लगातार चलेगी। देश की सुख समृद्धि के लिए हर साल की तरह इस बार संस्था रसराज प्रभात द्वारा भगवान महाकाल के दरबार में नृत्य आराधना की जा रही है। यहां 80 से अधिक बच्चे यहां भगवान महाकाल के आंगन में नृत्यांजलि पेश कर नृत्य के अधिष्ठाता और नटराज कहे जाने वाले भगवान महाकाल की वंदना कर रहे हैं। गंगा दशहरे पर भगवान महाकाल की नृत्य आराधना का सिलसिला 34 वर्षों से चला आ रहा है। उज्जैन की रसराज प्रभात नृत्य संस्थान के कलाकार सुबह भस्म आरती से महाकाल के दरबार में नृत्य आराधना करते हैं, जो मंदिर के पट बंद होने यानी शयन आरती तक चलती है। महाकालेश्वर मंदिर में गंगा दशहरे पर होने वाली नृत्यांजलि में 5 साल की बालिकाओं से लेकर 60 साल तक की महिला कलाकार शामिल होती है। संस्था की सांस्कृतिक सचिव श्रीमती साधना पंडित राजेश मालविया एवं मृणालिनी डांस अकेडमी के डायरेक्टर मृणालिनी चौहान करीब 1 माह पहले से कार्यक्रम की तैयारी के लिए बच्चों को प्रशिक्षण देकर आराधना के लिए तैयार करती है। इसमें मुख्य रूप से शिव तांडव, शिव पंचाक्षर, महाकाल आरती आदि शामिल होती है। तबला और हारमोनियम के साथ गायन वादन करते हुए कलाकार महाकाल मंदिर के मुक्ताकाशी मंच पर भगवान का नृत्य के माध्यम से अभिषेक करते हैं। ऐसे सुबह से लेकर रात तक करीब 16 घंटे तक महाकाल के आंगन में घुंघरू की अविरल झनकार सुनाई देती है। रसराज प्रभात नृत्य संस्थान की नृत्यांजलि का ये 34वां वर्ष है। हम प्रति वर्ष ये नृत्यांजलि बाबा महाकाल के प्रांगण में महाकाल के चरणों में अर्पित करते हैं और इसमें 5 वर्ष से 55 वर्ष तक के बच्चे भाग ले रहे हैं, मतलब प्रतिभागी हैं। और ये नृत्यांजलि हम गंगा दशहरा पर्व पे हर वर्ष करते हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण हम लोग ने इसको ऑनलाइन नृत्यांजलि अर्पित की थी। चूँकि मंदिर बंद थे इसलिए हमको ऑनलाइन प्रस्तुति करनी पड़ी बाबा महाकाल की जैसी इच्छा थी। अब ये वर्ष हम वापस प्रांगण में हमको बाबा महाकाल के चरणों में नृत्यांजलि अर्पित कर रहे हैं और हम बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि जो कोरोना में जो दिवंगत हुए उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और हमारे विश्व में सुख शांति और कल्याण प्रदान करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना मालवीय, मैं रसराज प्रभात नृत्य संस्थान की संचालक हूँ और सचिव हूँ। जैसे रात को शयन आरती तक यहाँ पर नृत्यांजलि अर्पित कर रहे हैं और कोरोना काल में जो भी द्विगत हुए हैं उनकी आत्मा का शांति दे बाबा महाकाल से, यही प्रार्थना है हमारी। ये रात तक। क्या नाम है आपका? समृद्धि राठौर। और ये शयन मतलब रात को शयन आरती तक चलेगा। ऐसा तो 7 करीब। क्या नाम है आपका? प्रियांशी जोशी।